हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनेकर, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है विशेषण। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि विशेषण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसके उदाहरण क्या होते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं, कुछ उदाहरण हम देखेंगे आज। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कक्षा 10वीं सीबीएसई की जो हिंदी की जो ग्रामर है उसमें पद परिचय में विशेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषण पूछा जाता है कि इस पद में विशेषण कौन सा होगा करके। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप बने रहिए। सो देखेंगे सबसे पहले विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर रंगमंच, एक मैंने उदाहरण ले लिया सुंदर रंगमंच, इसमें सुंदर जो है यह विशेषण है क्योंकि यह संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, किसी गुण या भाव के होने का बोध हो रहा है यहाँ पे। विशेषण में गुण या भाव का बोध होता है, तो यहाँ पे सुंदर देखिए एक प्रकार का गुण है, सुंदर एक प्रकार का गुण है, तो इसमें सुंदर रंगमंच में इसमें सुंदर जो है ये विशेषण है क्योंकि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, इसलिए ये यहाँ पे विशेषण होगा, सुंदर रंगमंच में सुंदर विशेषण होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है विशेषण। अब देखते हैं विशेष्य क्या है। विशेष्य की परिभाषा है विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की या जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि फिर से हमने वही एग्जाम्पल ले लिया, वही उदाहरण ले लिया, सुंदर रंगमंच, इसमें जो रंगमंच है, सुंदर तो विशेषण हो गया लेकिन विशेष्य क्या होगा, तो ये रंगमंच कहलाएगा क्योंकि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है, यानी कि रंगमंच की विशेषता बतला रहा है। सुंदर तो विशेषण हो गया लेकिन विशेष्य क्या होगा, रंगमंच होगा क्योंकि विशेषण रंगमंच की विशेषता बतला रहा है, इसलिए रंगमंच जो होगा वो विशेष्य होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कैसे कहेंगे कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा सुंदर रंगमंच, जिसमें सुंदर यानी किसी गुण या भाव के होने का बोध हो रहा है। जहां गुण या भाव के होने का बोध होता है वहां विशेषण, वो विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर यहाँ पे विशेषण था, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है अर्थात रंगमंच की विशेषता बताते हैं, रंगमंच कैसा है, सुंदर है, तो रंगमंच हो जाएगा वो विशेष्य कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे विशेषण और विशेष्य की परिभाषा, अब हम देखेंगे इसके प्रकारों को। स्टूडेंट्स, विशेषण के चार प्रकार, कुल चार प्रकार होते हैं। इससे पहला जो प्रकार है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा के गुण का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, ठीक, उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का बोध कराते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, इसमें संख्या की संज्ञा की मात्रा का बोध कराए, ऐसा विशेषण जो संज्ञा की मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें नापतोल का बोध होता है कुल मिला के, यानी कि संज्ञा की मात्रा का बोध होता है। ये भी दो प्रकार की होती है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। और चौथा और अंतिम इसका जो प्रकार है विशेषण का वो है सार्वनामिक या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे विशेषण के कुल चार प्रकार, इसे हम अब सिक्वेंस से हम देखेंगे इसे, इनकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब विशेषण का पहला जो प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण
दोष रंग रूप आकार प्रकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपको एक वाक्य दिया रहेगा, चंद्रगुप्त दयालु राजा थे, चंद्रगुप्त दयालु राजा था। तो यहां पे दयालु जो है ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है मतलब यहां पे विशेषण है दयालु। लेकिन दयालु अगर विशेषण है लेकिन कौन सा विशेषण होगा, तो ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि दयालु जो है ये गुण के अंतर्गत आता है, यानी कि गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आदि का बोध कराता हो किसी कोई विशेषण या कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार का बोध कराता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त दयालु राजा था, तो यहाँ पे जो दयालु जो है ये चंद्रगुप्त के गुण का बोध करा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। और दूसरा उदाहरण, दुर्वासा कठोर ऋषि थे। सो यहाँ पे दुर्वासा जो ऋषि है वो कठोर है, यानी कि उनकी विशेषता बतला रहा है, उनकी विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे कठोर जो है ये विशेषण शब्द है। सो दुर्वासा कठोर ऋषि थे, तो यहाँ पे इन गुणवाचक विशेषण होगा। सो देखिए, जैसे गुण हो गया, गुण में क्या क्या आ सकते हैं विशेषण में, तो ये अच्छा हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, उदार, दयालु, ईमानदार, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो ये गुणवाचक विशेषण का प्रकार होगा। दोष, दोष में झूठा, क्रोधी, अन्यायी, मूर्ख, ऐसा अगर आपको शब्द नजर आता है किसी वाक्य में तो यहां पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, रंग में गोरा, काला, गुलाबी, केसरिया, लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं किसी संज्ञा के साथ अगर जुड़े हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। आकार, आकार में से कोई व्यक्ति लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, सो उसे गुण का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो यहां पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। दशा यानी कि उसकी अवस्था कैसी होगी, अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो संज्ञा सर्वनाम ही रोगी होगा, तो उसका एक गुण हो गया एक प्रकार का। सो यहाँ पे दशा में रोगी, भला, चंगा, स्वस्थ, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है संज्ञा सर्वनाम के साथ तो वहां पे होगा गुणवाचक विशेषण। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ जैसे कि मैं पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, सो यहां पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी गुण का बोध हो रहा है यानी कि दिशा का बोध हो रहा है, सो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। गंध, जैसे कि सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, दुर्गंधमय, ऐसे शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम के साथ अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। स्पर्श, जिसमें कोमल, कठोर, चिकना, मुलायम, ऐसे शब्द का अगर प्रयोग होता है संज्ञा सर्वनाम के साथ तो वहां पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। स्वाद, मधुर, तिक्त, खट्टा, फीका, यानी कि मीठा, तीखा, खट्टा, फीका, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है संज्ञा सर्वनाम के साथ तो वहां पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। और अंतिम देखिए, अवस्था, चाहे वो बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, या कोई व्यक्ति निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर उसकी दशा यानी कि अवस्था का बोध हो रहा है तो वहां पर भी गुणवाचक विशेषण होगा संज्ञा सर्वनाम के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये था विशेषण का पहला प्रकार जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। अब देखेंगे हम विशेषण का अगला प्रकार। सो स्टूडेंट्स, विशेषण का अगला जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। सो इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। परिभाषा क्या है इसकी, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, इसलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कह रहे हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, इसे कुछ उदाहरण कैसे हो सकते हैं, जैसे कि उज्जैन कुंभ मेले में 50 लाख यात्री आए, उज्जैन कुंभ मेले में 50 लाख यात्री आए, यानी कि यह निश्चित है कि यहां 50 लाख यात्री आए। और दूसरा देखिए उदाहरण, क्षेत्र के विधायक 800 मतों से जीत गए, यहां पे निश्चित है कि जो क्षेत्र के जो विधायक है वो 800 मतों से जीत गए। तो यहां पे संख्या का निश्चित बोध हो रहा है, यानी कि
यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है उसका निश्चित बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। सो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें थोड़ा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण शिवलिंग पर अनेक यात्रियों ने जल चढ़ाया। अब अनेक में कितने यात्री थे ये हमें पता नहीं, यानी कि अनिश्चित है लेकिन संख्या तो है। सो शिवलिंग पर अनेक यात्रियों ने जल चढ़ाया, अनेक यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। रजत जयंती पर हजारों रुपए खर्च हुए, तो यहाँ पे हजारों रुपए, अब हजारों में भी हजार कितने हैं ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक तो है लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे निश्चित में आपको निश्चित संख्या मिलेंगी, जैसे दशक, दो, चार, छ, आठ, चौराहा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, चार मार्ग, दशक, शताब्दी, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। और अनिश्चित में थोड़ा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सो स्टूडेंट ये था संख्यावाचक विशेषण, जिसके दो प्रकार हमने देखे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखेंगे हम विशेषण का अगला प्रकार। स्टूडेंट्स विशेषण का जो अगला प्रकार है वो है परिमाणवाचक विशेषण। सो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, ये उसको हम नापतोल भी कह सकते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा की मात्रा नापतोल में उसकी मात्रा क्या हो सकती है, तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी कि नापतोल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के भी दो प्रकार है, पहला प्रकार निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सबसे पहला प्रकार देखें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा यानी कि मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा यानी कि मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहला राशन की दुकान से 2 किलो शक्कर मिलती है, तो यहां निश्चित है और परिमाण है संज्ञा का कि राशन की दुकान से 2 किलो निश्चित है, परिमाण यानी नापतोल कर पा रहे हम इसका 2 किलो एग्जैक्ट है, तो 2 किलो शक्कर मिलती है, राशन की दुकान से 2 किलो शक्कर मिलती है, तो यहाँ पे 2 किलो जो है यहाँ पे निश्चित परिमाण को दर्शा रहा है। दूसरा गाय 20 लीटर दूध देती है, गाय 20 लीटर दूध देती है मतलब एग्जैक्ट दे रही है कि 20 लीटर दूध दे रही है, कम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, एग्जैक्ट 20 लीटर बोला है तो 20 लीटर ही दूध देती है, मतलब यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा हम देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण सुदामा थोड़े से चावल लेकर गया, थोड़े से यहां पे निश्चित नहीं है कि उसका परिमाण कितना है चावल का, लेकिन थोड़ा सा लेकर गया है तो थोड़ा सा मतलब अनिश्चित परिमाण है यहाँ पे। कृष्ण जरा सा मक्खन चुरा कर माखन चोर बन गया, कृष्ण जरा सा मतलब निश्चित नहीं है यहां पर भी, अनिश्चित है, तो जरा सा मक्खन चुरा कर माखन चोर बन गया। सो हमने देखा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो भी हमें मात्राएं दी गई है वो निश्चित होती है, जैसे 2 किलो 20 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आटा, ऐसा अगर हमें मिलता है तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर वहां पे थोड़े से या जरा सा या कुछ अधिक ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखेंगे हम इसका अंतिम प्रकार। ये था परिमाणवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स विशेषण का जो अंतिम प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण, या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा जाता है इसे, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ऐसे विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर सार्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
अब इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम सार्वनामिक पड़ा। और संकेत का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, ऐसे विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द मिल सकते हैं आपको, यह, वह, वे, कौन, कोई आदि, या इसे आदि। उदाहरण देखेंगे हम सबसे पहले से कुछ, यह बस राजधानी तक तो जाएंगी। जैसे कि संकेत तो दिया जा रहा है यहाँ पे, संकेतवाचक वाक्य ही है, संकेत दिया जा रहा है इसलिए हम इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो संकेत दे रहे कि यह बस राजधानी तक जाएंगी, तो यहाँ पे यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे यह शब्द, यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो यह जो है यहाँ पे वो सार्वनामिक विशेषण। ये छात्रा है, नृत्योत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। यहाँ पे संकेत किया जा रहा है ये छात्रा है, ये यानी कि यहाँ पे सार्वनामिक शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। वह नेता विधायक है, संकेत दे रहे हम कि वह नेता जो है वो विधायक है, तो संकेत दे रहे तो वह का प्रयोग किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस यहाँ पे संकेत कर रहे कि इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो यहाँ पे इस जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। तो स्टूडेंट्स, ये थे विशेषण जिसके हमने परिभाषा देखी, उसके चारों प्रकार देखे, फिर उनके प्रकारों के भी प्रकार देखे, कुछ उदाहरण देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है, इसके प्रकार को हमने समझा, जो कि पद परिचय में हमें बहुत ही काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल विद्यास्थली वाले सर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और अधिक से अधिक वीडियो के लिए आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको पूरे के पूरे वीडियो की लिस्ट भी मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे नए नए वीडियोज की।